नमस्कार प्यारे छात्रों, आप हैं राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं एटग्रेट अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा पाँचवीं की हिंदी विषय की पुस्तिका और आज हम इसमें पढ़ रहे हैं पार्ट पाँच। पार्ट पाँच का नाम है ईदगाह। इसके प्रश्नोत्तरों को हम करेंगे। पहले हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक पहला है, हामिद क्यों प्रसन्न था? इसका उत्तर है, वह दादी अमीना की गोद में सोता था इसलिए वह प्रसन्न था। ए विकल्प इसका सही है। प्रश्न दूसरा है, वह काला घोड़ा है, वाक्य में विशेष शब्द कौन सा है? तो वाक्य में विशेष शब्द जो देख रहे हैं आप, वो घोड़ा है। सी विकल्प इसका सही होगा। आगे प्रश्न तीसरा है, आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है। आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ होता है, बहुत प्यारा होना या प्यारा होना। बी विकल्प इसका सही है। प्रश्न चौथा है, लम्ही गांव में किस कहानीकार का जन्म हुआ था? तो लम्ही गांव में मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। सी विकल्प इसका सही है। पांचवा प्रश्न है, आप कहाँ जा रहे हैं वाक्य में कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? तो इस वाक्य में आप देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य है, आप कहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ हम सी विकल्प में जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इसका हम प्रयोग करेंगे। आगे है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ शब्द दिए हैं, इन शब्दों की सहायता से हमें खाली स्थानों की पूर्ति करना है। प्रश्न छठवां है, भ्रातत्व एक का एक सूत्र समस्त खालिस्तानों को एक लड़ी में पिरोए हुए है। यहाँ हम खालिस्तान भरेंगे आत्माओं को। सातवां प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य खालिस्तान प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य आठ प्रकार के होते हैं। आठवां प्रश्न है, दादी ने खालिस्तान को बहुत दुआएं दी। इसका उत्तर है, हामिद। आगे है नौवां प्रश्न, विवेक शब्द का विलोम खालिस्तान है। विवेक का विलोम शब्द होता है अविवेक। और अगला प्रश्न है, भिस्ती ने पानी खालिस्तान में रखा था। इसका उत्तर होगा मशक। आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न है ग्यारहवां, ईदगाह में एक साथ की जाने वाली प्रार्थना को क्या कहते हैं? तो इसे हम सजदा कहते हैं। यहाँ लिखेंगे हम सजदा। आगे बारहवां प्रश्न है, तवे से रोटियां उतारते समय किस वस्तु का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर है चिमटा। तेरहवां प्रश्न है, सुरलोक सिधारणा मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इस वाक्य का अर्थ है मृत्यु को प्राप्त करना। आप वाक्य बना सकते हैं कि हामिद के पिता स्वर्ग लोक को सिधार गए थे। आगे है चौदहवां प्रश्न, दुआ शब्द का हिंदी समानार्थी शब्द लिखिए। तो दुआ शब्द का हिंदी समानार्थी शब्द है आशीर्वाद। लघुत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक पंद्रहवां है, हामिद ने चिमटे की कौन कौन सी विशेषताएं बताई? इसका उत्तर है, हामिद ने बताया कि चिमटे का उपयोग बंदूक के रूप में, फकीरों के पास भी चिमटा होता है और मंजीरों के रूप में भी कर सकते हैं। आगे है प्रश्न क्रमांक सोलहवां, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ देखें, प्रशंसा यह गलत है, इसका शुद्ध रूप होगा प्रशंसा, वाक्य में प्रयोग है। हमें अच्छे कामों की प्रशंसा करना चाहिए। आगे दूसरा है पर्वत, तो यह पर्वत गलत लिखा है, इसका शुद्ध रूप होगा पर्वत, वाक्य ऊपर राखी रेप लगाएंगे, वाक्य में प्रयोग है हिमालय पर्वत ऊंचा है। आगे है निर्भय, निर्भय की यहाँ वर्तनी गलत है, निर्भय इस प्रकार से लिखा जाएगा, वाक्य में प्रयोग करेंगे, शेर जंगल में निर्भय होकर घूमता है। प्रश्न 17वां है, हमें अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा क्यों करनी चाहिए? इसका उत्तर है, हमें अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा इसलिए करनी चाहिए क्योंकि उन्हें बुढ़ापे का सहारा और ज़रूरत होती है। वे स्वयं अपने काम नहीं कर पाते हैं, घूम फिर नहीं सकते हैं। आगे है 18वां प्रश्न, हामिद की दादी का गुस्सा स्नेह में कैसे बदल गया? इसका उत्तर है, हामिद की दादी के प्रति हमदर्दी देखकर उनका गुस्सा स्नेह में बदल गया। प्रश्न 19वां है, यदि हामिद के स्थान पर आप मेले में जाते तो क्या क्या खरीद कर लाते, उन चीज़ों का क्या करते? इसका उत्तर है, यदि हम हामिद के स्थान पर मेला घूमने जाते तो बहुत सारी चीज़ों को खरीदते, जैसे खिलौने, मिठाई, चप्पल, जूते, बर्तन, कपड़े, बस, गुब्बारे इत्यादि और ज़रूरत का सामान भी लाते। आगे है प्रश्न क्रमांक 20वां, दिया गया चित्र देखकर उसके बारे में 8 से 10 वाक्य लिखिए। यहाँ एक चित्र दिया है, इससे संबंधित हमें 8 से 10 वाक्य लिखना है। आप यहाँ देखें, पहला वाक्य लिखा हमने, यह मेले का चित्र है। दूसरा वाक्य है, इस मेले में बहुत सी लोग हैं। अगली लाइन है, मेले में बहुत सी दुकानें हैं। मेले में बर्तन, मिठाई और खिलौने की दुकानें हैं। मेले में चिमटे की भी दुकान है। छठवीं लाइन है, यहाँ झूले का खेल दिखाया जा रहा है। सातवीं लाइन, मेले में गुब्बारे वाले हैं जो बहुत रंग बिरंगे गुब्बारे बेच रहे हैं।
और अगली और अंतिम लाइन है, मेले में दुकानदार, ग्राहक और बच्चे भी हैं। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से पार्ट 5 ईदगाह के प्रश्न उत्तरों को पूरा किया। आगे के पार्ट के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।